देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया है। देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में 5 दिसंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह होगा। आजाद मैदान में पंडाल को भव्य बनाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। पूरे मैदान को सजाया जा रहा है। ये पंडाल जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब ये समारोह राज्य की राजनीतिक और साथ ही सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होगा। मंच को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमन, जय रूपाणी समेत पार्टी विधायकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही बीजेपी आलाकमान को भी उन्होंने धन्यवाद और आभार प्रकट किया। फडणवीस ने चुनाव के दौरान दिए गए सारे नारों को दोहराया और कहा कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। तो वहीं सीएम पद पर मुहर लगने के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस का अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। सत्ता में वापसी करने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक्टिव मोड में अभी से ही दिखने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रचंड जनादेश के बाद हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें जनता के लिए लगातार काम करते रहना होगा। हम राजनीति में बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूँ। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत तैयार हो रहा है। फडणवीस ने कहा कि हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला ये जनादेश है। हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो गुरुवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। बुधवार को हुई विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव चंद्रकांत पाटिल ने रखा और ऐसे बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनका नाम सीएम की कुर्सी के लिए आगे रखा। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए चुनाव में भाजपा ने भारी सफलता हासिल की। तो वहीं अब कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के लिए पर्यवेक्षक बनाई गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस मौके पर महाविकास अघाड़ी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वाली सरकार नहीं आती तो हमारी बुलेट ट्रेन में रुकावट नहीं आती। तो वही जापान से हमें इतना फाइनेंशियल हेल्प मिला लेकिन पिछली सरकार के दौरान इसे रोक दिया गया। तो वही रुकावट पैदा करने वाले लोगों को जनता ने देख लिया, इसलिए हमें इतनी बड़ी बहुमत मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।